गुड मॉर्निंग, और अभी बजे हैं सुबह के 7:20 और हम जिस्पा से निकल लिए हैं। कल रात हमने जिस्पा से, हाँ जिस्पा से 4 किलोमीटर पहले हमारा इको टेंट क्लब था और भागा टेंट क्लब उसका नाम था, और हम वहाँ रुके थे, ओवरनाइट स्टे किया था। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए हैं अर्ली मॉर्निंग अपनी लेह की जर्नी पर। और देखिए सुबह के नज़ारे तो देखने लायक हैं। हालांकि आज की जो वेदर अपडेट है उसमें स्नोफॉल, रेन सब के चांसेस हैं। इट्स अ हेजी डे, क्लाउडी डे, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा इस वीडियो में। लेकिन फिर भी इन पहाड़ों की खूबसूरती को, और इन पहाड़ों की खूबसूरती को बयान करने के लिए मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल क्लाउड्स, ये बादल अपने आप में कितने खूबसूरत लग रहे हैं इन पहाड़ों पर गिरे हुए। कितना सुंदर दृश्य है ये। और यहाँ जिस्पा के आसपास के लोंग से अगर आगे की बात करें तो ये एरिया तिब्बतियन कम्युनिटी डोमिनेट करती है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको तिब्बतियन लोग मिल जाएंगे, तिब्बतियन फूड कल्चर, तिब्बतियन लाइफस्टाइल। क्योंकि आप काफ़ी हद तक लेह पहुँचते पहुँचते हम कोल्ड डेजर्ट को टच कर जाएंगे तिब्बत वाले को, और इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो तिब्बतियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान में आपको उनकी झलक दिख जाएगी। बट लोग बहुत कॉर्डियल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और नेचर का तो कहना ही क्या है। देखिए और ऊपर बादलों के बीच में से आपको भी सनराइज होता हुआ दिख रहा होगा। हालांकि सनराइज हो चुका है लेकिन बादलों की वजह से नहीं दिख रहा था, पर आप देखिए कुछ अगले कुछ सेकंड्स तक हम इस सनराइज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये जो रेज अर्ली मॉर्निंग सन की दिखाई देंगी, सामने का वेदर खराब और सामने का वेदर खराब होता हुआ, हाँ जी दिख रहा है आपको। आपको माउंटेन्स नहीं दिख रहे होंगे, आपको क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे होंगे। और सुबह सुबह हमारे साथ साथ कुछ और भी नेचर लवर निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पर। और इन्हें रिकॉर्ड करना तो बनता है। खूबसूरत। और ये सारी शीप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो है जिनसे पश्मीना शॉल्स मिलती हैं या पश्मीना वूल मिलती है ओरिजिनल। देखिए आप इनके हेयर देख सकते हैं, टू हेयरी, एंड द हर्ड ऑफ दी शीप इज लुकिंग सो नाइस। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। व्हाट अबाउट यू नोनू, इनके हॉर्न्स कितने बड़े बड़े हैं। मैंने हॉर्न्स को देखा। आपने कितनी बार देखा है? 3-4 बार देखी होगी। शीप्स का हर्ड, ओए कभी किसी ने बा कर बा हां ये बहुत सारी है, ये बहुत सारी है। और देखो एक दो एक एक किसी के ऊपर से वूल भी निकाल ली गई है। हाँ, कुछ कुछ से निकाल उसके, हाँ हेयर को ट्रिम कर दिया है किसी से इनको, ताकि ये वो निकाले फिर इनका कुछ शॉल वगैरह बने। बाय बाय शीप्स, बाय बाय। और शीप भी है वहाँ पे।
और इसे कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। पता नहीं कब बाद में कब फिर मौका मिलेगा। बिल्कुल। और जो लद्दाख नहीं आया समझ लो उसने वो कहीं पर भी घूमा हो उसने कुछ नहीं देखा, उसने कोई नेचर नहीं देखा। जो लद्दाख नहीं आया उसने कुछ नहीं पाया। तो जो खुशी लद्दाख आके होती है और जो इस नेचर को देखकर होती है वो कहीं नहीं मिलती। और ये नेचर भी खूबसूरत मिलता है। बिल्कुल। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे और ये बहुत स्मूथ रोड। जो लोग ऐसे घबराते हैं कि हम कैसे लद्दाख जाएंगे या कैसे ले आएंगे, तो उनके लिए एक मैसेज कि हमारा BRO बहुत हार्डवर्क करता है। हमारे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को हम जितना थैंक्स बोलें उतना कम है इन रोड्स की मेंटेनेंस के लिए। रोड्स बहुत साफ सुथरे स्मूथ है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर आपको मिल सकता है जहाँ पर की स्ट्रीम्स आ जाती हैं पानी की, अदरवाइज रोड्स बहुत मेंटेन्ड हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, बिल्कुल स्मूथ जर्नी के लिए बनाए गए हों। जैसे क्योंकि हमारे चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं, इस वजह से इनकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी BRO के पास है। लेकिन हमारी BRO दिन रात इन रोड्स को मेंटेन करने के लिए लगी रहती है। और ये देखिए ये खूबसूरत नज़ारे। अब से पहले शायद हमने भी इन्हें कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस में ही देखा था, या फिर हमने भी इन्हें जो बाइकर्स आते हैं स्पेशली उनके ही वीडियोस में या इंस्टा रील्स में इन रास्तों को देखा था। तब ये यकीन भी नहीं होता था कि सच में ऐसा है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तब लग रहा है कि ये वर्थ इट है, यहाँ आना तो बनता है। और लेह लद्दाख के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। ये बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया का और हाईएस्ट पीक बॉर्डर है, तो ज़रूर आइए घूमिए। जैसे हमने थोड़ी सी करेज दिखाई रोड ट्रिप की, आप भी ज़रूर आइए और हिमालय के इस एक्सट्रीम नेचर का मज़ा लीजिए, इन्जॉय कीजिए, एडवेंचर कीजिए। वो चाइना बॉर्डर से टर्न हो जाते हैं। और ये हमारे ड्राइवर साहब जो पहाड़ों में ड्राइविंग के शौकीन हैं। अगर ये जिद नहीं करते तो शायद हम पहाड़ों की इस खूबसूरती को नहीं देख पाते, क्योंकि हम तो जाने वाले थे प्लेन से, लेकिन इनको जाना था गाड़ी से, फिर हम आगे गाड़ी से। इनको रोड ट्रिप करनी थी। हाँ,